आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन की, जो कि है माउंट आबू। लेट मी टेल यू समथिंग, माउंट आबू में घूमने से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है माउंट आबू तक पहुंचने का रास्ता, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है तो यहाँ पे आपको 30 किलोमीटर माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा और पूरे रास्ते पे जो आपको व्यूज़ मिलते हैं ना माउंटेन्स के और बादलों के, वो आपकी जर्नी को और भी बेहतरीन बनाते हैं। सो अगर आप एक ड्राइविंग के शौकीन हैं या फिर बाइक राइडिंग के, देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट। पर अगर आपको मेरी तरह गोल रास्ते और हाइट से डर लगता है ना, तो आपके लिए पीछे की सीट ही सही रहेगी विद योर आईज क्लोज्ड। यह शी इज राइट, उसने ऑलमोस्ट पूरे रास्ते यही किया था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसेस जो आपको विजिट करनी चाहिए माउंट आबू में। मैंने वीडियो में जितनी भी प्लेसेस मेंशन की है वो हमने पर्सनली विजिट करी है, बिकॉज यहाँ पे कोविड की वजह से थोड़ी सी प्लेसेस जो थी वो बंद थी। सो अगर आपको डिटेल में सारी प्लेसेस पे वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके आप माउंट आबू सीरीज देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्लेस दैट यू शुड विजिट इन माउंट आबू, एंड दैट इज नक्की लेक। नक्की लेक इज़ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन माउंट आबू, एंड इसकी वजह यह है कि ये कुछ 1200 मीटर की ऊंचाई पे बनी इंडिया की सबसे ऊंची आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे आपको बोटिंग, वाटर जोर्बिंग जैसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नक्की लेक के पास ही पूरा मार्केट है माउंट आबू का, हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट, टॉड रॉक जैसे टूरिस्ट प्लेसेस का भी रास्ता नक्की लेक से होके ही निकलता है, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज भीड़ देखने को मिलेगी। अगर बोटिंग की टिकट्स की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की बोट्स हैं, जो मैंने मेरे बोटिंग वाले वीडियो में आपको बताया था। फर्स्ट टाइप की जो बोट है उसके है 400 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन फॉर 1 बोट, और दूसरी टाइप की जो बोट है वो है 600 रुपीज़ पर बोट फॉर 2 पर्सन। यहाँ पे बोटिंग का जो टाइम है वो आपको 30 मिनट्स का मिलता है। सो अगर आप 30 मिनट्स से ज़्यादा बोटिंग करते हैं तो उसके चार्ज अलग से लगेंगे। और यहाँ पे पैडल्स वाली बोट है तो आई गेस 30 मिनट्स आपके लिए काफ़ी इनफ रहने वाले हैं। इसके आसपास काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं तो व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है। सो अगर आप फोटोग्राफी के लिए भी देखें तो ये प्लेस बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट अप, अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंचे प्लेस का, विच इज़ गुरु शिखर। ये कुछ 1722 मीटर की हाइट पे है, और ट्रस्ट मी यहाँ से आपको जो पूरे अरावली पर्वतमाला का और माउंट आबू का व्यू मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग है। गुरु शिखर पे गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है और उसके टॉप पे ही चरण पादुका की गुफा है। गुरु शिखर के टॉप पे से आपको माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी भी दिखाई देती है। यहाँ ऊपर आपको खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, एंड आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप यहाँ पे ऊपर बैठ के मैगी ज़रूर खाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अचलगढ़ फोर्ट। अचलगढ़ फोर्ट माउंट आबू से कुछ 11 किलोमीटर दूर है और आप गुरु शिखर के साथ साथ ही इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये फोर्ट परमार वंश के द्वारा बनाया गया था और उसको बाद में 1452 में महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया था, बट अभी ये अचलगढ़ फोर्ट पूरी तरह से खंडित हालत में है। अचलगढ़ फोर्ट के साथ साथ आप अदेश्वर जैन टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं, जो फोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है। ये जैन टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और पर मंदिर में जो मूर्ति है वो कुछ 550 साल पुरानी है। तो अब वापस चलते हैं माउंट आबू सिटी के अंदर और बात करते हैं टॉड रॉक की। ये भी एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है माउंट आबू में, और अगर आपने हमारे टॉड रॉक का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि टॉड रॉक जाने का रास्ता भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। टॉड रॉक एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जिसका शेप एक फ्रॉग जैसा है। यहाँ से आपको पूरी लेक का व्यू मिलता है और माउंटेन्स का भी व्यू मिलता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रैक करके आए तो आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा। नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है हनीमून पॉइंट। यहाँ पर दो रॉक्स है जो मैन एंड वुमन को रिसेम्बल करते हैं, और इसीलिए इस प्लेस का नाम पड़ा हनीमून पॉइंट। यहाँ पर टूरिस्ट सनसेट देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ जो एम्बियंस है और इसका जो पूरा पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग है, तो यहाँ आप सनसेट और सनसेट फोटोग्राफी के लिए आ सकते हैं। लास्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है माउंट आबू नाइट मार्केट। इसको मैंने लिस्ट में इसीलिए ऐड किया क्योंकि नक्की लेक के पास जो पूरा मार्केट है
उसकी रात में कुछ अलग ही वाइब है। यहाँ पे आपको खाने पीने के साथ साथ शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी प्लेसेस मिल जाएगी। यहाँ पे आइसक्रीम और गरम रबड़ी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ प्लेसेस जो हमने विजिट किए थे हमारी माउंट आबू ट्रिप पे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप माउंट आबू में देख सकते हैं, बट ज़्यादातर प्लेसेस कोविड की वजह से बंद थे, सो हम विजिट नहीं कर पाए। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं माउंट आबू ट्रिप को, तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि कौन कौन सी प्लेसेस है वो ओपन है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब राजस्थान गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अगर आपको राजस्थान में एंटर करना है तो आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेके जाना पड़ेगा, तभी आप राजस्थान में एंटर कर सकते हैं। और कौन कौन सी प्लेसेस जो है वो बंद है या फिर ओपन है, ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं राजस्थान की ट्रिप, माउंट आबू हो या फिर उदयपुर हो या जयपुर हो, कोई भी प्लेस हो, आप डेफिनेटली ऑनलाइन एक बार चेक करके जाए कि कौन कौन सी जो प्लेसेस है वो ओपन है और क्लोज है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारी माउंट आबू या फिर उदयपुर सीरीज नहीं देखी है, देन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हैं। मैंने जो जो प्लेसेस एक्सप्लेन करी है, जो जो प्लेसेस मेंशन करी है, उन सारी प्लेसेस पर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं देन सब्सक्राइब द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड वी विल सी यू गाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।